कैसे कर सकते। अगर जो आपको मैंने पहला दिया है कि जहाँ नाम न हो किसी का, किसी मौसम हस्ती का, देखिए पुरानी बात में बहुत ही ऐसी आती है, ऐसी ऐसी आती है कि देखा इंसान जालिम और काफिर है, ये पुरानी आता है या नहीं आता होगा। हाँ मैं देखूंगा कि मौलवी साहब अल्लाह के नबी को किस तरह से खास करेंगे, तो अंदाजा लगाएं जी 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 जी
और उनकी गुस्ताखी हमारे पास मौजूद हो तो बताइए हम पर फर्क क्या होता है। फिर काफी करेंगे तो कर जाएंगे। इमाम से बताइए अगर तुम आपके कहे तो जरा फिर आदमी तौबा कर गया और हमें उस बात की तस्दीक न हो तो तौबा की है या नहीं की, तो एहतियात क्या खादा जी है कि मामला रब से सुपुर्द हो। वो फैसला करेगा तौबा की है या नहीं की, क्योंकि हमें इलम नहीं है तौबा की है या नहीं की, इसलिए हम काफी कहने से रुक जाएंगे। लेकिन मौलाना ने हदीस से पढ़ दी गम का जिक्र भी नहीं होगा। बताइए गुनाहगार ने अगर तौबा कर ली, काफिर ने अपने कुफर से जब तौबा कर ली तो क्या उसका कुफर बयान किया जाएगा कि किया जाएगा? हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप बाद में इस्लाम लाए। हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलील उल कदर के हाजी हैं। उनका मकाम तो इतना है कि हजरत सलातो व सलाम ने फरमाया कि जितने आसमान के तारों की नीतियां हैं, जितने आसमान के तारों की तादाद है, उतनी नीति मेरी मत की कमाया बाद जो हो गए। लेकिन क्या बताइए पहले काफी देखे शराब को शराब को तस्वीर करने नहीं आए थे, इसका जिक्र किया जाता है ना। मतलब ये है कि काफिर जब तौबा कर लेता है तौबा उसकी यकीन हो तो उसे ईमानदार कहा जाता है, अगर तौबा का सबूत न हो तो चुप कहा जाता है, और अगर बात गलत तौबा की साबित हो जाए तो खुल्ला खुल्ला काफिर कहा जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग यही मामला इस्माइल का था, उसके कुफरियात जो है वो कुफर है, वो बात कुफर है। सही बात अगर मौलवी अहिम साहब आज कहेंगे तो वो भी कुफर है, लेकिन बात कुफर है कहने वाला अगर तौबा कर गया हो मजबूत बात हो तो हमें एहतियात का दिखाना ये है तो उसको रोका जुबान को पत्थर निशान किया जाए तो निगरान होने से काटा। दोस्तों ये कितनी गलत बात है कि मौलाना ने फिर खिलाफ बात तौबा की, वो क्या तो फिर वो ताजिर उल्लाह की बात शुरू कर दी जनाब, वो झूठ बोला उन्होंने हर नैन शरीफ ने। मौलाना जब आपका वक्त आएगा आप दिल खोल कर बातें कीजिएगा, लेकिन ये उसूल मुनाजरा के खिलाफ है। जो बात आपका सदर तय कर चुका है उसके खिलाफ आप क्यों जाते हैं? असल में आप खिलाफ जाकर हमारे तजुर्बा की तस्दीक करते हैं। आज तक दुनिया में कोई जो बंदी मर गया मुनाजरा किसी किताब में हर बाबू को शाबिया लिखी, इन्होंने
سال جی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو پہلے کبھار کے کفر میں تھے پھر ایمان لائے. میں پوچھتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے کتنے کبھی یادگار سے گروائے تھے؟ مجھے سارا نکالا جی عجیب بات ہے.